किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि समाचारों में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मछली पालन विभाग ने विकसित की नई तकनीक, किसानों को मिलेगी अब मासिक पेंशन, पपीते की खेती से किसान पा सकते हैं ज्यादा लाभ, तुलसी की खेती कर कमाएं लाखों रुपए, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने विकसित की पशुओं के लिए चॉकलेट, कैरी देवेंद्र मुर्गी देगी दोहरा लाभ और केंद्र सरकार ने की न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा। किसान भाइयों, मछली पालक अब एक तालाब में मछलियों की 6 प्रजातियां एक साथ पाल सकेंगे। ऊधम सिंह नगर में स्थित पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय के मछली पालन विभाग ने इस तकनीक को विकसित किया है। इस तरह से किसान सामान्यतः आने वाली लागत में जरा सी बढ़ोतरी कर सामान्य से कई गुना उत्पादन ले सकते हैं। मछली पालन विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में मछलियों को बढ़ोतरी बहुत अच्छी रहती है और इस तकनीक से किसान एक हेक्टेयर के तालाब से 2 से 10 टन तक का उत्पादन ले सकता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार छोटे और बड़े स्तर के सभी किसानों के लिए ये तकनीक बहुत फायदेमंद है। केंद्र सरकार ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को 5,000 रुपए की मासिक पेंशन देने का फैसला किया है। योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। 23 मार्च को पंजाब के हुसैनीवाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल के जरिए किसानों को पेंशन देने का फैसला किया है। 60 साल से ज्यादा उम्र के किसान अगर इस योजना में शामिल होते हैं तो उन्हें 5,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। ये पेंशन पात्र किसानों को चेक के जरिए दी जाएगी। पपीता उगाने से कृषकों को कम समय में आर्थिक लाभ मिलता है। घर के आंगन में 2-3 पौधे उगाने से जहां दैनिक आहार की पूर्ति होती है, वहीं खेती के खाली स्थान की मेड़ों में जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हों, उन जगहों पर किसान पपीते की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर किस्मों की बात करें तो पपीते की बड़वानी लाल और पीली हनीड्यू, सिलोना, पूसा डिलिशियस, रांची, कोयमटूर 2, 3, 5, 6, पूसा ज्वाइंट और पूसा नन्हा मुख्य उन्नत किस्में हैं। पपीते की खेती में एक हेक्टेयर के लिए 500 ग्राम से 1 किलो बीज की आवश्यकता होती है। पपीते के एक पौधे को वर्ष भर में 250 ग्राम नत्रजन, 250 ग्राम स्फुर और 500 ग्राम पोटाश देना जरूरी होता है। इसे 6 बराबर भागों में बांटकर प्रति 2 माह के अंतर से देना चाहिए। इस प्रकार एक बार में 90 ग्राम यूरिया, 250 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 125 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश बने हुए थालों में मिट्टी मिलाकर दें और सिंचाई करें। अब किसान तुलसी की खेती में दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। हालांकि मौजूदा सत्र की बात करें तो इस बार कम क्षेत्रफल में ही खेती हुई है, लेकिन उम्मीद है कि अगले सत्र में रकबा और बढ़ेगा। किसान भाइयों, अप्रैल मई में तुलसी की नर्सरी डाली जाती है। वैसे तुलसी की खेती के लिए जाड़े का मौसम सबसे अच्छा होता है। इसके अलावा ये गर्मी के मौसम में भी उत्तरी मैदानी भागों में उगाई जा सकती है। पाला, बर्फ और ओले पड़ने वाले स्थानों पर इसकी खेती की संभावना बहुत कम होती है। मुनाफे की बात करें तो किसान प्रति हेक्टेयर 37,500 रुपए में फसल तैयार कर बाजार में 1,25,000 रुपए में बेच सकते हैं, जिसमें उन्हें तकरीबन 87,500 रुपए का शुद्ध लाभ मिल सकता है। क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तुलसी की खेती न होने से दवा कंपनियां इधर का रुख नहीं कर पा रही हैं, लेकिन अगर यहां तुलसी की खेती का रकबा बढ़ता है तो निश्चित तौर पर दवा कंपनियां इधर का रुख करेंगी। किसान भाई, तुलसी की बुआई बीज द्वारा की जाती है। इसके द्वारा नर्सरी में पौध तैयार की जाती है। अप्रैल मई माह में बीजों को क्यारियों में 8 से 10 गुना मिट्टी में मिलाकर बिछा दिया जाता है। इसके बाद हल्की सिंचाई की जाती है। बुआई के 30 दिन के बाद रोपाई के लिए पौध तैयार हो जाती है। तुलसी के पौधे कठोर प्रवृत्ति के होने के कारण इन पर रोगों का प्रकोप कम होता है। मनुष्यों के लिए नहीं, अब पशुओं के लिए भी चॉकलेट बनाई गई है। ये चॉकलेट पशुओं के पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। पशुओं के शरीर में होने वाली खनिज और पोषण तत्वों की पूर्ति के लिए बनाई गई इस चॉकलेट के परीक्षण में पाया गया है कि इससे दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। ये चॉकलेट बरेली के इज्जत नगर में स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी IVRI ने विकसित की है। इस चॉकलेट को यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक का नाम दिया गया है। IVRI के न्यूट्रिशन विभाग के विभागाध्यक्ष के मुताबिक चारा और भूसे में बहुत से पोषक तत्वों की कमी होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए ही ये चॉकलेट बनाई गई है। इसको बनाने में गेहूं का चोकर, खली, यूरिया, खनिज लवण आदि का प्रयोग किया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक एक वयस्क पशु को एक दिन में चॉकलेट की लगभग 500 से 600 ग्राम की मात्रा देने से उनकी अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता पूरी हो सकती है।
केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक के अनुसार कम लागत में मांस और अंडे के लिए जल्दी तैयार होने वाली मुर्गी की प्रजाति कैरी देवेंद्र को अगर कोई मुर्गी पालक पालता है तो उसे आम मुर्गियों की तुलना में ज्यादा लाभ ले सकता है। कैरी देवेंद्र प्रजाति का मुर्गा लगभग 12 सप्ताह में मांस के लिए तैयार हो जाता है। इसका वजन लगभग 1700 से 1800 ग्राम होता है जिसकी बाजार में कीमत 500 से 600 रुपए तक होती है। कैरी देवेंद्र प्रजाति की मुर्गी लगभग 18 हफ्तों में अंडा देने के काबिल हो जाती है और पूरे साल में 200 अंडे देती है। इसका अंडा लाल होता है जिसकी बाजार में कीमत 10 रुपए होती है। इस प्रजाति के बारे में जानकारी देते हुए विशेषज्ञ कहते हैं कि मुर्गी पालक इस प्रजाति के नर मादा को पालकर अच्छा लाभ कमा सकते हैं क्योंकि इनके आहार की पूर्ति के लिए दाने की जरूरत नहीं होती है। ये खुले में चरकर अपना पेट भर सकती है। जायद में लोबिया की शीघ्र तैयार होने वाली किस्मों की खेती की जा सकती है। बुआई आलू और गेहूं की फसल के बाद धान से पहले के बीच की अवधि में किसान लोबिया की फसल उगा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने समतल इलाकों में खेती के अनुकूल लोबिया की ऐसी किस्म विकसित की है जो मात्र 60 दिन में तैयार हो जाती है। आमतौर पर लोबिया की सामान्य किस्मों को तैयार होने में 120 से 125 दिन लगते हैं। जायद में इस किस्म को बोने से किसान का खेत भी खाली नहीं रहेगा। लोबिया से किसानों की कमाई भी अच्छी हो जाएगी क्योंकि इस दौरान बाजार में हरी सब्जियां कम ही होती हैं। इस किस्म की एक और खासियत यह है कि इसमें पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है जिस वजह से किसानों को गर्मी बढ़ने पर सिंचाई की चिंता नहीं करनी होगी। अल्पावधि लोबिया की प्रजातियों में जैसे पंत लोबिया 1, पंत लोबिया 2 और पंत लोबिया 3 की बुआई 15 मार्च से अप्रैल के प्रथम सप्ताह के बीच की जा सकती है। लोबिया की बढ़िया खेती के लिए उचित जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी उत्तम रहती है। इन किस्मों का बीज प्राप्त करने के लिए किसान सह निदेशक प्रजनक बीज उत्पादन केंद्र पंतनगर से संपर्क कर सकते हैं। केंद्र सरकार खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की घोषणा इस साल मई में करेगी जिससे किसानों को फसल की बुआई के संबंध में निर्णय लेने में मदद मिल सके। सामान्य तौर पर केंद्र सरकार खरीफ फसलों के लिए MSP की घोषणा अगस्त के अंत में बुआई के बाद करती है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने अप्रैल या मई के महीनों में बोई जाने वाली खरीफ फसलों के लिए MSP की घोषणा मई में किए जाने का निर्णय लिया है। खरीफ फसलों की बुआई सामान्य तौर पर हर साल मई के अंत में शुरू होती है लेकिन किसानों को उस समय तक यह पता नहीं होता है कि उन्हें अपनी फसल के लिए सरकार से किस भाव पर रकम प्राप्त होगी। इस बारे में किसानों को अवगत कराने के लिए बुआई शुरू होने से पहले ही MSP घोषित करने का निर्णय लिया गया है। जानकारों का कहना है कि MSP की जल्द और पहले की गई घोषणा से किसानों को यह निर्णय लेने में मदद मिलेगी कि वे आगामी सत्र में कौन सी फसल की बुआई करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों की। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। आगरा की मंडी में गेहूं का भाव 1620 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1640 रुपए, इटावा में 1470 रुपए और राजधानी लखनऊ में गेहूं का भाव 1600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल की बात करें तो आगरा की मंडी में चावल का भाव 2040 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 2100 रुपए, इटावा में 2150 रुपए और लखनऊ में 2150 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सरसों के भावों पर नजर डालें तो आगरा में सरसों का भाव 3430 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 3400 रुपए, इटावा में 3350 रुपए और लखनऊ में 3375 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू की कीमतों पर नजर डालें तो आगरा की मंडी में आलू का भाव 540 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 600 रुपए, इटावा में 600 रुपए और लखनऊ में 475 रुपए प्रति क्विंटल रहा। एक नजर टमाटर की कीमतों पर। आगरा की मंडी में टमाटर का भाव 1840 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1540 रुपए, इटावा में 1380 रुपए और लखनऊ में 1300 रुपए प्रति क्विंटल। किसान भाइयों, ये थे प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भाव और कृषि समाचार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाए और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो सकूल गए हैं। सकूल गया है? अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रयास करते हैं कि आपकी समस्याओं पर बात करें और उनका समाधान निकालें, उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या है सहभागी सिंचाई प्रबंधन। और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ सिंचाई विभाग से राजेश शुक्ल जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद। राजेश जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे हमारे किसान भाई कि क्या है ये सहभागी सिंचाई प्रबंधन। देखिए, वर्तमान में जो व्यवस्था कार्य करती है सिंचाई प्रबंधन की, इसमें सिंचाई विभाग पूरी तरह से सारा काम करता है। नहर में कितना पानी आना है, कब आना है, अच्छा किधर आना है, ये सारे के साथ निर्णय सिंचाई विभाग लेता है। लेकिन इस व्यवस्था में, क्योंकि सहभागी नाम है, इसमें किसान जो अल्टीमेटली जिसको इसका फायदा नुकसान होना है उसको भी इस निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। तो इसी पूरी इस व्यवस्था को सहभागी सिंचाई प्रबंधन। राजेश जी, क्या जरूरत पड़ी थी इस व्यवस्था को लागू करने की? ऐसा है, जैसे नहरों में जो पानी, नहर डिजाइन होती पानी के लिए, तो डिजाइन जब होता है नहर का, तो उसमें ये दिया जाता है कि उस नहर के कमांड में जी किस तरह की फसलें हैं। अच्छा, तो फसलों की माँ के अनुसार वो डिजाइन किया जाता है। अब नहर इतनी पुरानी हो गई है, वर्तमान में फसल व्यवस्था पूरी बदल जाती है, तो वास्तविक रूप से डिमांड कुछ और होती है, डिजाइन कुछ और है, ये जो आपस में एक दूसरे से तालमेल नहीं हो पाता है। अच्छा, तो ये तालमेल कैसे हो? तभी हो सकता है जब किसान भी इसमें सहभागी हो, मिलकर काम करे। किसान को पता हो मेरे पास इतना पानी है, अब मुझे क्या करना है, ये तभी से वो सहभागी हो। अच्छा, अगर नहीं होगा तो ये व्यवस्था पूरी तरीके से उनको फायदेमंद नहीं हो पाएगी, ये करना पड़ेगा। एक तो ये हुआ, दूसरा ये किसान के पास स्थानीय स्तर पे बहुत सारी ज्ञान पता हो, जानकारी पता होती, नॉलेज होता है, उनका इस्तेमाल भी प्रबंधन में करेंगे तो प्रबंधन और आसान हो जाएगा। तीसरी बात ये होती है कि जब हम कोई काम करना शुरू कर देते हैं इसमें अपनत्व की भावना पैदा हो जाती है। अच्छा, जब अपनत्व की भावना पैदा होती है तो उस चीज के प्रति केयर करने लगते हैं, उसकी सुरक्षा करने लगते हैं, तो जो
क्षेत्र है वहां पे बहुत सारे सिंचाई विभाग के इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, उन सबकी सुरक्षा व्यवस्था भी लोग मिलकर करना शुरू कर देंगे। अभी क्या होता है कि हमसे क्या मतलब, ये सरकार की सरकार देखे, बिल्कुल जब हम उसको करने लग जाएंगे कि बहन ये तो हमारी चीज है तो हम भी देखेंगे। अच्छा, इसी सुरक्षा इसका नाम सहभागी सिंचाई, सहभागी इसलिए नाम दिया गया। अच्छा राजेश जी, ये बताइए कि कैसे कार्य करती है ये? इस व्यवस्था में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि नहर के हर स्तर पे, स्तर का मतलब हुआ कि इसे एक बार समझ लें कि नहर के कई स्तर होते हैं, जैसे पहले चाहे डैम से पानी आए, अच्छा, चाहे किसी नदी से पानी आता है तो सबसे पहले मेन कैनाल निकलती है, अच्छा, फिर वहां से ब्रांचेस निकलती है बहुत सारी, ब्रांच में से फिर डिस्ट्रीब्यूटेड अजवाहा निकलती है, फिर वहां से अल्पिका निकलती है, और अल्पिका के बाद बहुत सारे कुलाबा निकलते हैं जहां से पानी खेतों में जाता है। तो कुलाबा लेवल पे भी एक जल उपभोक्ता समिति बनाई जाएगी। समिति का मतलब हुआ कि किसान कुलाबा कमांड एरिया में जितने किसान होते हैं उन किसानों से चुनाव के माध्यम से उनके प्रतिनिधि चुने जाएंगे, वो प्रतिनिधि एक समिति का निर्माण करेंगे, उसी बोलेंगे जल उपभोक्ता समिति। अब कुलाबा पे बनेगी, फिर अल्पिका पे बनेगी, फिर अजबाह पे बनेगी, फिर शाखा पे और मुख्यधार बनेगी। अच्छा। तो सभी स्तरों पे जल उपभोक्ता समितियां बन जाएंगी। अच्छा। तो नाम के लिए उसको कुलाबा समिति बोलते हैं, अल्पिका समिति बोलते हैं, रजबाह समिति बोलते हैं, और आगे बोलते हैं शाखा समिति और परियोजना समिति बोलते हैं। अब कैसे करेगा इसमें, समिति बन गई, समिति काम कैसे करे, तो उसमें करना सिंचाई विभाग क्या करेगा, जो नीचे की तीन टीयर है गुलाबा अल्पिका और रजबाहा, इन तीनों को एक अनुबंध करके समिति को ये हस्तांतरित कर दिया जाएगा। अच्छा। कि ये सारा काम सिंचाई प्रबंधन का अब आप करेंगे। अच्छा। करेंगे बाकी जो ऊपर के दो भाग होंगे, जो बड़ी कनाल नहरें हैं, शाखा है और मुख्य कनाल है, बाकी और स्ट्रक्चर्स हैं, उन सब का काम सिंचाई विभाग यथावत करता रहेगा। अच्छा, हाँ, समिति वहां रहेगी लेकिन वो सलाहकार की भूमिका रहेगी। मैं ये जानना चाहूंगा कि सिंचाई विभाग का मुख्य कार्य क्या है इसमें? सिंचाई विभाग वैसे तो सारा काम करता था, लेकिन जब ये व्यवस्था लागू हो जाएगी तो सिंचाई विभाग का काम क्या होगा कि उनको जो किसान की समिति बनेगी उनको सहायता करें, उनको नियंत्रण करें, उसका गाइडेंस दें उनको क्या करना कैसे करना है, ये सारा काम सिंचाई विभाग के पास रहेगा। एक और चीज है जल उपभोक्ता समिति। हाँ, तो क्या है ये जल उपभोक्ता समिति, ये जानना चाहेंगे हमारे किसान भाई। जल उपभोक्ता समिति, अभी हमने आपको बताया कि नहर के हर स्तर पर जल उपभोक्ता समिति बनाई जाएगी, तो जल उपभोक्ता समिति अभी बताया आपको कि कमांड एरिया दो तरह से बनेगी। अच्छा। एक तो है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से बनेगी, दूसरा होगी अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम। प्रत्यक्ष में जो कुलाबा स्तर है वो प्रत्यक्ष माध्यम से होगा, मतलब किसान जो सामान्य किसान होगा वो निर्वाचन के माध्यम से अपनी अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेगा। वो प्रतिनिधि जब जैसे कुलाबा है वहां से छह प्रतिनिधि चुने जाएंगे, छह प्रतिनिधि चुन लिए गए ये छह उसके सदस्य हो गए, फिर इसमें से अगर मान लीजिए जो रिजर्व कैटेगरी के लोग होते वो नहीं तो उनको कोऑप्शन कर लेंगे, सहयोजित कर लेंगे। इसके बाद फिर एक पहली बैठक करेंगे, उसमें अपने अध्यक्ष और सचिव का चुनाव करेंगे। अच्छा। तो जब ये पूरा हो जाएगा तो इसको बोलेंगे कि कुलाबा समिति का निर्माण हो गया। अच्छा। तो ये कुलाबा समिति बन गई, ऐसी अल्पिका समिति बनेगी। अल्पिका समिति में क्या होगा, अल्पिका समिति के जो सदस्य चुने जाएंगे वो समान किसान ना चुन करके ये जो कुलाबा समिति के चुने हुए लोग हैं और सहयोजित लोग हैं ये सब मिल करके अपने एक सदस्य का चुनाव करेंगे। तो वहां पे फिर वैसे पहली बैठक होगी और उसमें अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का भी चुनाव होगी, वहां वित्तीय शक्तियां वहां पे दी गई हैं, तो कोषाध्यक्ष का भी चुनाव हो जाएगा, तो फिर अल्पिका समिति बन जाएगी, ऐसे फिर अजबहा फिर आगे बढ़ती चली, इसी तरह से वो आगे बनती जाती बनती चली। अच्छा राजेश जी, किसी भी कार्य में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, तो इस कार्य में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित करी जाती है? देखिए, इसमें कार्य में क्या करना है, पहले जब पैसा ये सारा आ गया इनके पास, तीन अकाउंट होंगे, जो सरकारी पैसा आएगा वो सरकारी अकाउंट में जाएगा, जो लोग अपने कहीं से पैसा इकट्ठा करेंगे वो इनके अपने अकाउंट में जाएगा, एक रिजर्व अकाउंट भी है, तो रिजर्व अकाउंट में पैसा भी जाएगा। अब इन पैसों का जो खर्चा होगा, तो पहले इनका एक बजट बनता है, जैसे सरकार का बजट बनता है वैसे इनका लोकल बजट होगा। अच्छा। एक अल्पिका माली समिति है, तो अल्पिका समिति अपने किसानों के साथ एक बजट बनाएगी, इस बजट वो बनाने में सिंचाई विभाग पूरा बजट देखकर ही समिति बनाई जाती है। नहीं, बजट जो होगा ना, बजट समिति बनाएगी इस बात के लिए कि कौन सा समिति मिलकर बनाएगी कि ये जो पैसा हमारे पास आ रहा है इस पैसे का कहां कहां खर्चा होगा, कैसे कैसे खर्च, तो बजट बनाएगी। जैसे कहा कि सिल्ड सफाई में इतना खर्चा होगा, मरम्मत में इतना पैसा खर्च होगा, ऑफिस मेंटेनेंस में इतना पैसा खर्चा होगा, जो भी कानून के होंगे उन सारे पार में खर्चा होगा, तो कितना किस कौन सा कार्य हो उस कार्य में कितना पैसा खर्चा हो इसका बजट बनाएंगे। इस बजट को फिर सामान्य सभा उनकी बैठेगी वहां, जैसे असेंबली बैठ के यहाँ पास करती है वैसे वो पास करेगी, तो सब किसान जाएंगे हमारे किस कार्य में कितना पैसा हमारे पास उपलब्ध है या
समिति काम कराएगी, ये पता होगा। एक ये हुआ तो बजट मिल गया, ये आम किसान को पता लग गया कि हमारे किस काम के लिए कितना पैसा उपलब्ध है। एक हुआ, जब आप काम करा देंगे, काम कराने के बाद तो कुछ पैसा तो आप 70% तक आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब आप जो रेस्ट 30% है उसको खर्च करने के लिए फिर सामान सभा के पास जाना पड़ेगा, वो बताइए आपका काम सही हुआ या नहीं सही हुआ। अगर वो अनुमोदन देती है तभी पेमेंट हो सकता है, पेमेंट इलीगल हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा 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 पारदर्शी रूप से काम होगा। ये भी जानना चाहेंगे कि जो जल उपभोक्ता समिति है इसमें किसान भी कार्य करते हैं? बिल्कुल, किसान ही कार्य करते हैं। किसान ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं हमारे किसान भाई, बिल्कुल, तो उनको क्या इस कार्य को करने में किसी तरह की तकलीफ होती है या कार्य करने से पहले किसी तरह की उनको कुछ सिखाया जाता है इस कार्य को करने? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा जब ये समिति बन जाती है तो इसमें हम लोग प्रशिक्षण देते हैं पहले। अच्छा, तो प्रशिक्षण होता है? प्रशिक्षण होगा 4 दिन का 2 दिन का जैसा जैसा होगा उसका। पहला काम तो बनने से पहले प्रशिक्षण हमने दे दिया, बनने के जस्ट बाद बने, प्रशिक्षण हो गया। इसके बाद जब काम करने जाएंगे ना तो प्रशिक्षण से काम नहीं हो जाता है तो कई बार दिक्कतें आती है, कैसे लिखना, एस्टिमेट कैसे बनेगा, MB कैसे करेंगे, है ना। अच्छा, ये सब पानी का लुखाई कैसे करेंगे, गुड़ा भाग करना, कई बार अनपढ़ भी किसान होता है तो गुड़ा भाग कैसे करना है। तो इस काम के लिए 2 व्यवस्थाएं की गई इसमें। पहला तो कि जो सिंचाई भाग का अधिकारी हर स्तर पे वो उसकी सहायता करेगा। अच्छा। एक दूसरा ये कहा गया कि जब समिति विकसित हो जाएगी तो इनको ये भी शक्ति दी गई है कि ये अपने इंजीनियर अपॉइंट कर लें, अपने अकाउंटेंट अपॉइंट कर लें, जो कि सारे से सरकार काम करती है, अधिकारी काम करते हैं, इसे इनके भी एक तरह से वो अधिकारी के रूप में काम करेंगे, निर्णय ये लेंगे क्या करना है, लेकिन उसका जो तकनीकी पार्ट है वो लोग देखेंगे वहाँ पे। तो इस तरह से काम करने में दिक्कत फिर इनको नहीं आती। आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेती किसानी की जानकारी के बाद आइए जानकारी लेते हैं मौसम की। किसान भाइयों, प्रदेश में कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है, पहाड़ियों पर कहीं कहीं हिमपात भी संभव है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर बादल छाने के आसार हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहने की आशंका है। आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश के प्रमुख शहरों के अनुमानित तापमानों पर। राजधानी लखनऊ का अनुमानित तापमान अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहा। इलाहाबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झांसी का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी तरह वाराणसी का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। किसान भाइयों, इस समय ग्रीष्मकालीन मक्का की बुआई के समय दीमक प्रभावित क्षेत्रों में खेतों में क्लोरपाइरोफास 1.5% चूर्ण की 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से मात्रा का प्रयोग करें। इस समय अगर गेहूं की कटाई ना हुई हो तो कर लें और इसके बाद खेत को मूंग या चारे की फसल के लिए तैयार करें। गन्ने की पेड़ी फसल में तना छेदक कीट का प्रकोप होने पर फोरेट 10G दानेदार दवा का 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। शरद ऋतु में लगाई गई गन्ने की फसल में नत्रजन की शेष मात्रा को कूड़ों में डालें और मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। आवश्यकता अनुसार सिंचाई भी करते रहें। अरहर और दूसरी रबी फसलों की कटाई और गहाई करें। खेतों में गर्मी की जुताई करें जिससे कीड़े मकोड़ों से पौधों की रक्षा हो सके। जिन फसलों की कटाई हुई है उसे सुखाकर गहनी उठावनी कर अनाज को अच्छे से भंडारित करें। कोठी टंकी बारदानों को अच्छी तरह साफ करने के बाद नया अनाज उनमें रखें। आम नींबू वर्गीय फलों के बगीचे में पानी दें। ग्रीष्मकालीन भिंडी और भुट्टों के लिए मक्का यानी स्वीट कॉर्न की बुआई करें। आलू, प्याज और लहसुन की खुदाई कर उनका सुरक्षित भंडारण करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में आवश्यक उर्वरक दें और पौध संरक्षण के उपाय अपनाएं। किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।